इसे देखें, ये है वो प्लैनेट जहाँ पर लाल तपते लोहे की बारिश होती है, वो भी सिर्फ आसमान से जमीन पर नहीं, जमीन से आसमान, तो कभी लेफ्ट तो कभी राइट। और अब ऐसा ही एक और प्लैनेट जहाँ पर कांच के टुकड़ों की बारिश होती है, वो भी इतनी तेज कि आज तक जमीन पर आए सबसे फास्टेस्ट ह्यूरिकेन पैट्रिका भी इससे 3 लाख गुना कम है। और अब इसे देखें, इस प्लैनेट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस ही नहीं आती है। अब ये सुनते ही आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका रीजन तो कुछ और ही है। क्या है इसके पीछे का रीजन और हमारे यूनिवर्स में और क्या क्या स्कैरी चीजें हैं, आइए मिलके डिस्कवर करते हैं। प्लैनेट नंबर 1, वेस्ट 76b। अब ब्लू कलर को देखते ही ये तो काफी रिलैक्सिंग और पीसफुल प्लैनेट लग रहा है, लेकिन एक मिनट, सबसे हॉटेस्ट फ्लेम भी तो ब्लू कलर का ही होता है, तो आप समझ जाओ कि ये कूल प्लैनेट है या हॉट। और अगर हम इसके ड्राउनी फीचर्स की बात करें ना, तो इसके हॉटनेस और बड़े से गैशियर जाइंट होने की वजह से साइंटिस्ट ने इसे अल्ट्रा हॉट जुपिटर का नाम दिया है। ऐसा प्लैनेट जो अपने होस्ट स्टार से आए हुए 94% रेडिएशन को अपने अंदर ट्रैप करने की ताकत रखता है, इससे तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसके अंदर कितनी हीट है। और अब आता है इसका सबसे डेंजरस पार्ट, वो ये कि एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर पानी की नहीं बल्कि पिघलते हुए लोहे की बारिश होती है। अब क्योंकि ये सरफेसलेस प्लैनेट है, तो यहाँ बारिश की बूंदे कौन सी डायरेक्शन से आएंगी ये कोई नहीं बता सकता। और तो और, मोल्टन लावा की बारिश की एक एक बूंद का टेम्परेचर 2400 सेल्सियस जितना होता है, मतलब ऐसा समझो कि ये इतना गर्म है कि मेटल्स उसके एटमॉस्फेयर में कदम भी रखें तो उससे पहले ही वो सेकंड्स के अंदर ही बड़े आराम से वेपराइज्ड हो जाते हैं। तो सोचो अगर गलती से भी हम वहाँ पहुँच गए तो हमारा क्या हाल होगा। अब इसके इतना डेंजरस होने के पीछे की वजह आखिर क्या है? दरअसल ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से टाइटली लॉक है, और इस हद तक लॉक है कि ये बिल्कुल रोटेट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी एक साइड पर हमेशा दिन और दूसरी साइड पर हमेशा रात रहती है, और इसी वजह से इसकी एक साइड हॉट तो दूसरी साइड कोल्ड रहती है, और इसी वजह से वहाँ पर आयरन की बारिश होती है। कैसे भाई? क्योंकि ये गैसियर जाइंट है, और ये बात तो तय है कि थर्मोडायनेमिक की वजह से हॉट एयर हमेशा कोल्ड एयर की तरफ बढ़ती है, तो डे साइड वाले मेटल्स के गैसियर क्लाउड्स हॉट होते ही कोल्ड साइड में जाने लगते हैं, जहां वो लो टेम्परेचर की वजह से कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है? जी हाँ, बारिश। और यहाँ पर इसीलिए होती है तपतपाते मेटल्स की बारिश। चलो जी, एग्जॉटिक का खिताब तो इसे हमने दे ही दिया, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इससे पहले एग्जॉटिक प्लैनेट का क्राउन HD 189733b के पास था, जिसमें लाइक लिटरली कांच के टुकड़ों की बारिश होती है, वो भी मौसलाधार। उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि कांच के नुकीले टुकड़े बुलेट की स्पीड से गिरते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हम वहाँ पर चले गए ना, तो स्पेस सूट के साथ बॉडी भी छलनी छलनी हो जाएगा। तो अब आते हैं स्केरी प्लैनेट नंबर 2, कैरेट 7b। इसके लाल मैग्मा जैसे हालत का मेन रीजन है प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच में दूरी। तो सबसे पहले तो इसका होस्ट स्टार हमारे सूरज से तकरीबन 360 टाइम्स और भी बड़ा है, और ये प्लैनेट सूरज से अर्थ के मुकाबले 60 टाइम्स ज्यादा करीब है। ये इतना पास है कि 80% सन से आने वाली रेडिएशन से खुद को बचा ही नहीं पाता, तो जाहिर सी बात है इसका ये हाल तो होना ही था। और अगर इसकी टेम्परेचर की बात की जाए तो ये चुटकियों में ये बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला के बाप बना सकता है, और ये भी पहले वाले प्लैनेट की तरह टाइटली लॉक है, और इसीलिए यहाँ पे भी एक तरफ हॉट और एक तरफ कोल्ड है, और इसीलिए यहाँ पे भी कंसंट्रेशन की वजह से बारिश होती है, लेकिन लोहे की नहीं पत्थरों की बारिश। भले ये प्लैनेट हैबिटेबल नहीं है, लेकिन शुरुआत में हमारे साइंटिस्ट को ये हैबिटेबल लग रहा था। अब वो क्यों ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आज हम इतना जानते हैं कि ये प्लैनेट स्लोली स्लोली करके अपने होस्ट स्टार की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, और कभी भी अपने होस्ट स्टार के साथ मिलकर तबाह हो जाएगा। ओह, तबाह होने से याद आया, J1407b प्लैनेट जो कि तीसरा सबसे स्कैरी प्लैनेट है, ये प्लैनेट भी कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अब तक नहीं हुआ। क्यों? आइए देख लेते हैं। वैसे ये प्लैनेट कोई स्कैरी प्लैनेट नहीं, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, जिसको देखकर पहले तो आपको ऐसा लगेगा ये तो सैटर्न है, लेकिन ये सैटर्न नहीं है, और ये तो कब का खत्म हो गया होता अगर इसके पास रिंग्स नहीं होते। अब वो कैसे? उसी के ऊपर तो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, जब उन्हें दो चीजें पता चली। एक तो ये कि ग्रेविटेशन पुल की वजह से प्लैनेट के इर्द गिर्द फॉर्म हो रहे रिंग्स इसकी जान बचा लिया, मतलब जैसे ही रिंग्स फॉर्म होने लगे तब प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच की दूरी भी बढ़ती गई,
लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कि रिंग्स फॉर्म तभी होते हैं जब एक प्लैनेट एस्ट्रॉइड जिब्रिस को ग्रेविटेशन पुल की मदद से अपनी तरफ खींचता है और अपने अराउंड एक ऑर्बिट क्रिएट कर देता है, और ऐसा ही इस प्लैनेट की ग्रेविटी ने भी रिंग्स फॉर्म की है। और एज अ रिजल्ट प्लैनेट के आउटर रिंग्स का रेडियस कुछ 19 मिलियन किलोमीटर जितना है, मतलब सैटर्न के रिंग से 640 टाइम्स ज्यादा। लेकिन कैसे, यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। सिर्फ पेपर्स में थ्योरी लिखी हुई है कि कैसे बचा, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ग्लीस 1132b, प्लैनेट विद सेकंड एटमॉस्फेयर। जैसा कि हमें पता है कि मार्स के पास एटमॉस्फेयर कभी ना कभी तो था, लेकिन वो कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से खत्म हो गया। लेकिन अभी अचानक से उसका एटमॉस्फेयर फिर से बढ़ने लग गया, तो बस इसी को सेकंड एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो इस प्लैनेट पर भी आज हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर का होना यानी कि प्लैनेट का हैबिटेबल होना, अब इसीलिए इसको अर्थ का डुप्लीकेट भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ साइज में, क्योंकि इस प्लैनेट पर आने वाले स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक रेडिएशन उसके एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सीधा जमीन पर आके गिरते हैं। मतलब अगर हम इसकी तरफ गए ना तो जल कर राख होना तो कन्फर्म है। और यही तो रीजन है, जब इसकी स्टडी की गई ना तब पता चला कि इंटेंस रेडिएशन ने इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से निगल लिया है। अब आप ही सोचो बगैर एटमॉस्फेयर प्लैनेट क्या हाल होता होगा, आग का गोला। लेकिन ये भी केस नहीं था, यहाँ पर ये प्लैनेट बिल्कुल हैबिटेबल प्लैनेट की तरह बिहेव कर रहा था, जो देखते ही साइंटिस्ट के अंदर की क्यूरियोसिटी जाग उठी। उन्हें इतना तो समझ आ ही गया था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें इस प्लैनेट के साथ जरूर हो रही हैं। पर इसी पर सोचते सोचते साइंटिस्ट का ध्यान उसी ग्रेविटेशनल फोर्स पर गया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि उसका होस्ट स्टार जो अपने सन के साइज का 20% लार्ज था, ये कमाल उसी की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से हो रहा था। स्टार की ग्रेविटी इंटेंस टाइडल फोर्स क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से ये प्लैनेट स्क्वीज हो रहा है, और इसी फ्लेक्सिंग की वजह से मैग्मा सरफेस तक आ पहुंचा, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। अब अगर लावा फटेगा तो गैसेस बाहर आएंगी, अब गैसेस बाहर आएंगी तो मतलब कि एटमॉस्फेयर दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कितना सच है और कितना झूठ, इस बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। और अब चलते हैं फाइनली ब्लैक होल के भाई की तरफ, ट्रीज टू बी, यानी कि ब्लैक होल प्लैनेट। ब्लैक होल की तरह ये भी दूसरी चीजों को निगल जाता है, और ये 1% से भी कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ग्रेविटी, अरे भाई हर चीज के पीछे ग्रेविटी का हाथ नहीं होता है, कभी कभी एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स का हाथ भी हो सकता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन एक मिनट, जब इसके एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से रिसर्च किया गया ना, तब पता चला कि भले उसका एटमॉस्फेयर इस केमिकल से भरा हुआ है, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, जिसका मतलब 20% से ज्यादा लाइट एक्सोप्लैनेट में से बड़े आराम से रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नजर आ ही नहीं रहा। चलो भाई मान लिया कि तुम भी एक स्कैरियस प्लैनेट हो, तो अब आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा स्कैरी प्लैनेट कौन सा लगता है। वेल, अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो वही लगता है जहाँ हम रह रहे हैं। जी हाँ, जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, किसी भी वक्त इस प्लैनेट को कुछ भी हो सकता है।